हेलो डियर स्टूडेंट, तरुण स्कूल के इस प्रोग्रेसिव यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज काल टॉपिक के अंतर्गत वर्तमान काल और उसके वेद के बारे में एक वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको देखें, इनकी परिभाषाएं अच्छी तरह से कंटेस्ट करें और लगातार निरंतर अभ्यास करते रहें। का भी गया कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर और निशा। बार बार अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही वो स्थायी ज्ञान अपने को प्राप्त होगा। अभ्यास बार बार करना जरूरी है। ऐसा नहीं आपने एक दिन वीडियो देख दिया और बाद में कुछ याद भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं। निरंतर आप कंटिन्यूटी रखें, आप क्रमबद्ध तरीके से देखते रहे ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। हम भी जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से फायदा आप सभी को मिले। देखते हैं वर्तमान का, जैसे इंग्लिश में है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान यानी वो वर्तमान अभी जो काम अपने जो हो रहा है वो चाहे पूर्ण हो या संदिग्ध हो या संभावी हो, वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे रमेश पढ़ता है, सरिता खेलती है आदि। वर्तमान काल के अनेक भेद कौन कौन से हैं? जैसे भूतकाल के चार भेद बताए थे मैंने, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, ये सब भूतकाल के भेद थे। उसके बारे में क्वेश्चन पेपर है या अभ्यास प्रश्न आपको वीडियो के अंत में मैं देऊंगा, आप उनको याद करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर भी बताए जाएंगे। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ये वर्तमान काल के प्रमुख भेद हैं। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से कार्य का एक तो वर्तमान समय में होना ये भी याद रखना और पाया जाए किंतु निश्चित समय का बोध नहीं हो, निश्चित समय का बोध नहीं उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे देखो वह पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, या आपको पढ़ा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंग्लिश में जिन शब्दों में ता है ती होता है वो सिंपल टेंस की हिंदी शब्दों की पहचान है। ये इसी प्रकार सिंपल टेंस और ये हो गया हिंदी में सामान्य वर्तमान। रमा लेख लिखती है, लिखती है, खेलता है, वे खेलते हैं, वे आम खाते हैं, हम बाजार जाते हैं, इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें ता ते ती का प्रयोग होता है। वह हिंदी में ट्रांसलेट इंग्लिश से सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान। उसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण शब्द आते ही कंटिन्यू टेंस समझ जाना इंग्लिश का। अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान हिंदी शब्द कौन से होते हैं? रा है, रही है, रही, ये होता है वर्तमान में, और रा था, रहे थे, रही थी, ये होता है भूतकाल। जहां पर रा रही शब्द आते हैं वहां पर रा रही प्लस है का प्रयोग है तो अपूर्ण वर्तमान, रा रही रही प्लस था थे थी है तो अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, एट दिस टाइम पढ़ा हुआ आपने, अभी अभी जो क्रिया हो रही है। जैसे वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको वर्तमान काल के बारे में बता रहा हूँ, तो ये जो अपना कार्य है और आप इसको समझ रहे हैं ये अपूर्ण वर्तमान में अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की क्रिया कंटिन्यू चल रही है, समाप्त नहीं हुई, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई, इसलिए कौन सा काल हो गया? अपूर्ण नहीं हुआ उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश पढ़ रहा है, ये निभा रही है, सरिता खेल रही है,
ये, फिर संधि वापस भूतकाल संधि डाउट जिसमें संधि हो काम होने में, क्रिया का वर्ण जिसमें क्रिया के व्यापार में वर्तमान में संपन्न होने में संदेह प्रकट हो वो संधि वर्तमान कहलाता है। अब इसमें एक टॉपिक ध्यान रखना है, जैसे कल मैंने संधि भूतकाल पढ़ाया था उसमें भी होगा शब्द आया है और आज भी होगा शब्द है, तो आप पहचान कैसे करोगे सामान्य संधि वर्तमान और संधि भूतकाल की बताइए। इसकी पहचान इससे होगी, क्रिया के अंत में ता ते पी प्लस होगा है तो संधि वर्तमान, और क्रिया की सेकंड फॉर्म है जैसे रमेश ने पढ़ा सेकंड फॉर्म होगा तो संधि भूतकाल, उसने रमेश ने खाया होगा संधि भूतकाल, ईट एट सेकंड फॉर्म होती जहां पर केवल और प्लस होगा शब्द होता है वहां पर संधि भूतकाल, जैसे रमेश खाता होगा ता शब्द आ गया प्रेजेंट का प्लस होगा शब्द आ गया तो संधि वर्तमान, ये ध्यान रखना थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। सरिता खेलती होगी ये ती शब्द आ गया खेलती होगी। अब है संभावी पॉसिबिलिटी, संभावना हो मतलब कार्य होने की, क्रिया के जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य होने की संभावना हो पॉसिबिलिटी हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें शायद एस शब्द आते हैं, मैं शायद खेल रहा हूं शायद शब्द आ गया, मैं शायद खेल रहा हूं मैं शायद खेल रहा हूं, रवीना शायद खेल रही हो, ऐसी संभावना है पक्का नहीं कह सकते, खेल में क्या है संभावना। तो ये वर्तमान काल के जो भेद है आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, इनको अच्छी तरह से याद करना है। और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता हूं, आप उनके उत्तर लिखना। अभ्यास प्रश्न निम्न वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम लिखिए। अब इन वाक्यों में कौन कौन से काल का प्रयोग हुआ है इसका नाम आपको लिखना है, आगे काल का प्रकार लिखना है, ऐसा नहीं सिर्फ भूतकाल लिखिए, भूतकाल में कौन सा भेद है छह भेदों में से वो लिखना है, ये वर्तमान के चार भेद होते हैं उसमें कौन सा भेद है ये लिखना जरूरी है। सबसे पहले देखिए रवीना खेल रही है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा यदि मैं कठिन मेहनत करता तो अवश्य
सफल होता, मैं कठिन मेहनत करता था उसी सफल होता। राम अजमेर गया, प्रकाश बाजार गया था, प्रकाश बाजार गया था। शायद आज वर्षा हो, सोहन पढ़ता होगा, मैंने आम खाया होगा। इसके रूल्स है आपको पहले बता दिए थे, नियम क्या है। रवीना खेलरी इसमें कौन सा काल है उसका पूरा उपभेद का नाम, ऐसा नहीं वर्तमान काल या भूतकाल या लिख दिया, ऐसा नहीं। वे क्रिकेट खेलते हैं तो कौन सा काल उपभेद, यदि मैं कठिन मेहनत करता तो अवश्य सफल होता, काल का नाम लिखना है। राम अजमेर गया, प्रकाश बाजार गया था, शायद आज वर्षा हो, सोवन पड़ता होगा और मैंने आम खाया होगा। तो इनको आप अच्छी तरह से लगन से इनके आंसर खोजने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपको बताए जाएंगे, सबके आठ में से आठ जो अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, नहीं तो और कहाँ कमी है। और अभ्यास करना, निरंतर वीडियो देखते रहे और अपने साथियों से सब्सक्राइब भी कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई ऊर्जा और जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।